समय की बचत होती है। कुछ अन्य प्रकार के बाद जो आपसी सुलह समझौता एवं स्वेच्छा के आधार पर निस्तारित हो सकते हैं, ऐसे वादों का अधिक से अधिक संख्या में निस्तारण कराएंगे। देखिए, 11 दिसंबर 2021 को सैटरडे को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कचहरी से लेकर के तहसील से लेकर के पूरे जिले में किया जाएगा। और इसमें दीवानी मामले, समनी अपराध वाले मामले, NIAF के मामले, बैंक अधिग्रहण के मामले, भूमि वाले मामले, राजस्व के संबंधित वाद, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, अन्य कमर्शियल अधिनियम वाले, वन विभाग के मामले, ये सारे मामले इसमें लगेंगे। और लोक अदालत में जो मुकदमे का निस्तारण किया जाएगा वो वास्तविक और अंतिम रूप से होगा। वास्तविक और अंतिम का इसलिए मैं कहूँगी क्योंकि इसके बाद इसकी रिवीजन अपील नहीं होती है, पक्षकारों की सहमति से इसमें होता है तो उनका पूरा निस्तारण होगा। और लोक अदालत के बहुत फायदे हैं, आप वकीलों के चक्कर में या फिर आपका समय बचेगा, वकीलों से में जो आपका पैसा खर्च होता है वो बचेगा, आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइम, वो बच जाएगा और निस्तारण भी अंतिम तरीके से होगा। तो मेरी लोगों से अपील है कि इस लोक अदालत को सफल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके संबंध में जागरूक करें, और अगर उनका मामला किसी इसमें लोक अदालत में लगने वालों की श्रेणी में आता है तो 11 दिसंबर को लोक अदालत है, उस वहाँ पे आए न्यायालय में और अपने मुकदमे का निस्तारण अंतिम रूप से कराएं।